भाई चेक देखिए। कीजिए ड्रैगन फ्रूट आप, क्या बात है भाई, कलर तो यार इसका बहुत ही अच्छा है प्यारा। जी दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं फ्रूट मंडी में, जो कि है मोती झील पे ग्वालियर में। तो वहां पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रूट की ऐसी वेरायटी यहाँ और उनके रेट्स, जो कि यहाँ पे आपको रीजनेबल, अगर आप होलसेल में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं जानेंगे ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में। जनरली आपने और सारे फ्रूट्स तो देख रखे हैं, ड्रैगन फ्रूट्स भी आज के डेट में सभी लोगों ने जनरली देख रखा है, और इसका हम बताएंगे आपको रेट और ये कहाँ से आता है और कितने का मिलता है। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया, कैसे? बढ़िया है, बस हम भी अच्छे हैं भाई। तो भैया, ये ड्रैगन फ्रूट है, ये कहाँ का आइटम है? ये वियतनाम का है जी। वियतनाम का है? हाँ जी। तो ये इंडिया में नहीं होता? इंडिया में भी होता है, लेकिन इस तरह की क्वालिटी वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो अभी ये बाहर से ही आता है ज्यादातर। तो ये बाहर से आ रहा है? हाँ जी, बाहर से। एक पीस भैया निकाल के दिखाइए आप। तो भाई चेक कीजिए ड्रैगन फ्रूट आप, क्या बात है भाई, कलर तो यार इसका बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा है। तो भैया ये तकरीबन अभी कितना टाइम हुआ होगा इसको, ड्रैगन फ्रूट को इंडिया में आए हुए? यहाँ पे ग्वालियर में 3-4 साल से काफी, ग्वालियर में 3-4 साल से है। और इंडिया में तो काफी टाइम से आ ही रहा है वैसे, लेकिन रनिंग में जो अभी आया है 2-4 साल में दिखने को मिला है। अपनी सिटी में, ग्वालियर सिटी में 3-4 साल से रनिंग में आ गया है, जब से कोरोना और बड़ा था डेंगू वगैरह जब से। अच्छा, तो इसके फायदे क्या होते हैं भैया? ये प्लेटलेट्स और खून बढ़ाने में काफी मददगार है। ऐसा क्या? हाँ जी। क्या बात है भाई, हमें तो नहीं पता था कि ये प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ाता है। जी जी। तो ये किवी की तरह ही एक तरह से होता है? हाँ जी, किवी की तरह भी। क्या बात है। और भैया इसकी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस रहती है? बॉक्सेस में आता है, एक बॉक्स में 18-20-22 दाने निकलते हैं, और 1200-1250 लगभग का बॉक्सेस आता है। अच्छा, सिंगल पीस की अगर कॉस्ट देखे तो 65 रुपए के लगभग पड़ता है। अच्छा अच्छा। और अगर कोई एक आध पीस लेना चाहेगा तो एक आध पीस अपने यहाँ नहीं मिलेगा? नहीं, मंडियों में बॉक्सेस में ही। हाँ, बॉक्सेस में ही मिलेगा। 5-10 पीस भी दे देते हैं, 5-10 पीस अगर कोई लेना चाहेगा तो ले सकते हैं। ये कीवी है, न्यूजीलैंड से आती है, जसपरी। जसपरी जी, और ये न्यूजीलैंड की है? हाँ जी, इसको ओरिजिनल कीवी बोलते हैं। ओरिजिनल कीवी जी, इसका रियल टेस्ट होता है, बहुत मीठी होती है जी। क्या बात है भाई, एक बॉक्स में 24 पीस होते हैं ये। अच्छा, 24 पीस ऐसे निकलते हैं जी। और एक इस वाले में, छोटे वाले में 5 होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। इस बॉक्स का क्या प्राइस होता है भैया? इसका 950 रुपए के लगभग होता है, 40 रुपए के समथिंग एक पीस पड़ता है ये। अच्छा, 40 रुपए के लगभग। लेकिन इनका ये ओरिजिनल जो न्यूजीलैंड से है, फेमस है, जो न्यूजीलैंड को बोलते हैं कीवी, वहाँ के लोगों को, वहाँ का एक पच्ची भी और वहाँ की कीवी भी है, ये फेमस है वहाँ की काफी। अच्छा, क्या बात। कीवी फल भी आपके यहाँ का कुछ स्पेशल दिख रहा है, बड़े टाइप का दिख रहा है ये, आजकल आने लगा है काफी वेरायटियों में। तो ये कहाँ का है भैया? ये आते हैं चिली से, ईरान से। अच्छा, ये भी हिंदुस्तान में नहीं होता? नहीं नहीं जी, कुछ बात। क्या बात है भाई, यहाँ तो नई नई चीजें मालूम पड़ रही है जी। तो ये कितने क्या रेट रहता है भैया? ये पीसेज में आते हैं, जो 30 पीस का प्लेट होती है, एक क्या साइज के ऊपर उनकी रेट का। हाँ, इसका साइज काफी बड़ा है। इसका साइज बड़ा है तो अभी इसकी मार्केट में 600 रुपए वैल्यू है। इनका छोटा है। अच्छा, जैसे ये छोटा है तो अच्छा, ये 500 रुपए का है। तो साइज के ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वेट भी बढ़ जाता होगा साइज के हिसाब से। और भैया, और आपके यहाँ क्या नया फल मिलेगा हमें? इमली आती है थाईलैंड से। अच्छा, ये थाईलैंड से इमली आती है? हाँ जी जी, स्वीट इमली होती है। स्वीट इमली रहती है जी जी। तो इसका क्या प्राइस रहता है? ये 65-70 रुपए के बीच का होता है। 65-70 रुपए का पूरा बॉक्स होता है? नहीं नहीं, एक सिंगल। हाँ, एक सिंगल बॉक्स 65-70 रुपए का होलसेल में होता है। होलसेल में 250 ग्राम का होता है। 250 ग्राम का, रिटेल तो वही 100 रुपए के आसपास मिलता होगा। हाँ जी, माल्टा है। अच्छा, ये माल्टा है जी, ऑरेंज होता है, ये भी बाहर का है। ये भी बाहर का, ये कहाँ से आता है? ये साउथ अफ्रीका से आता है। ये साउथ अफ्रीका से आता है? क्या, साउथ अफ्रीका से, 2-3 घंटियों से आता। क्या भाई, हमें तो नहीं पता था कि इतने सारे फल हैं वो विदेशों से आते हैं। हम तो सोचते थे ज्यादातर फल इंडियंस ही हैं। ये अपना टर्की का है। अच्छा, ये टर्की का है? हाँ जी। क्या बात है भाई, तो ये सेब कौन सा सेब होता है भैया? सेब ही होता है, आरडी के नाम से चलता है अपने यहाँ पे। अच्छा, टर्की का होता है ये? टर्की का होता है। तकरीबन क्या रेट होगा ये इसका? अगर केजी में पकड़े तो 175-180 रुपए होलसेल में। होलसेल में रिटेल तो इसका 250-300 रुपए होगा, जो भी यहाँ खेलने वालों का। ये अपने देसी सेब है, इंडियन। अच्छा, ये कश्मीर के हैं? ये हिमाचल का है जी? हिमाचल नहीं, कश्मीर। कश्मीर का सेब? इन दोनों कश्मीर का ही आता है। अच्छा, इन दोनों कश्मीर का आता है। साइज का अलग अलग रहता है, जैसे इसमें ज्यादा 90 पीस है, इसमें 60 पीस है, ऐसे अलग अलग साइज के बॉक्स। अच्छा, दाने के हिसाब से आता है। अच्छा, जो दाना बड़ा होता होगा वो महंगा रहता होगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो छोटा दाना है वो सस्ता रहता होगा। और क्या आइटम होता है भैया? और अपने पास अभी तो आप क्या थोड़ा लेट हो गए हैं, वरना सुबह के टाइम पे सारे फ्रूट होते हैं। अच्छा, तो शॉप बढ़ाने का टाइम है, तो जो बच्चे हैं वही फ्रूट है अपने पास, वरना बहुत सारी वेरायटियाँ होती है। बहुत सारी वेरायटियों में जैसे क्या क्या आइटम होता है? बहुत सारी वेरायटियों में अपने पास आता है इस टाइम पे, इम्पोर्टेंट आलू बुखारा आ रहा है, कीवी आती है, ड्रैगन फ्रूट हो गया, पेयर हो गई, नक आती है, विदेशी नक आती है, इमली आती है,
कीवियां और भी तरीके की आती हैं, सेब होते हैं काफी तरीके के। अच्छा, बहुत सारे फ्रूट होते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मिल जाएंगे, और ज्यादातर फ्रूट्स हैं यहाँ पे भैया ने हमें जो दिखाए वो दिखाए विदेशी फ्रूट्स ज्यादा दिखाए। तो अगर आपको होलसेल में खरीदना है, रेट भैया ने बता दिया है, तो आप होलसेल में यहाँ से ले सकते हैं।